इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए, और आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए हम बात करेंगे उसके वर्क डन के डेरिवेशन की। और आइसोथर्मल एक्सपांशन में हमें प्रूव करना होता है W इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10 बेस और V2 अपॉन V1। ये हमारा डेरिवेशन होता है वर्क डन का इन आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए। तो पहले तो हम बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है? तो भाई किसी भी गैस के वॉल्यूम को प्रेशर के साथ इस तरह से चेंज किया जाए कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। किसी भी गैस के वॉल्यूम को प्रेशर के साथ इस तरह से चेंज किया जाए कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो इस प्रोसेस को बुलाता है उसका आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच वेन वॉल्यूम इज चेंज विद प्रेशर बट टेम्परेचर बिकम्स कॉन्स्टेंट, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को चेंज करेंगे प्रेशर के साथ, तो उसमें करना होता है हमें वर्क डन, और उसी वर्क डन के लिए हमें निकालना होता है डेरिवेशन जो होता है 2.303 लॉग 10 बेस V2 अपॉन V1। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो W होता है, लेकिन हम W मतलब होता है बड़ा काम, पर हम बड़ा काम ना करते हुए हम हमेशा छोटा काम करेंगे, उस छोटे काम को कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें निकालना W है, लेकिन W के लिए हम क्या करेंगे? dW का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड वर्क डन है वो कितना dW है। तो एक फार्मूला होता है dW का, जिसे कई लोग डेल W भी बोलते हैं, डेल W इक्वल्स टू P डेल V बोले, या इसे dW इक्वल्स टू हम P dV बोले, दोनों ही बातें सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड वर्क डन है वो कितना है dW है। तो यहाँ पर dW इज इक्वल्स टू जाएगा PdV, इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन कौन से, फर्स्ट डाल देते हैं। अब हम जानते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसे बुलाता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, लेकिन N जो होगा उसे हम मान लेते हैं कितना 1, तो यहाँ पर R भी आएगा दोस्तों। हाँ, मैं R लगाना भूल गया कि 2.303 R log 10 बेस V2 अपॉन V1 होता है। अब यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई तो PV कॉस्ट कितना RT आएगा। अब PV कॉस्ट RT आएगा तो P की जो वैल्यू है वो कितनी RT अपॉन V बन जाएगी। भाई PV कॉस्ट NRT होता है तो n की वैल्यू कितनी 1 हो गई, और n की वैल्यू 1 हो गई तो PV कॉस्ट RT या P कॉस्ट जाएगा RT अपॉन V बनेगा। अब यहाँ पर बना RT अपॉन V बना, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो dW इक्वल्स टू आ जाएगा कितना RT, तो यहाँ हो जाएगा RT अपॉन V और साथ ही dV बनेगा। अब इसका करना होता है हमें इंटीग्रेशन, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ dW आएगा, यहाँ RT अपॉन V और साथ ही dV बना। अब यहाँ तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं W के रिस्पेक्ट में, वर्क के रिस्पेक्ट में, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो 0 से लेकर W हो जाएगी, क्योंकि या तो हमने काम किया ही नहीं किया, तो हमने फिर पूरा काम किया, जब काम नहीं करा है तो लिमिट 0 बनी है, लेकिन काम करा है तो वो W मतलब पूरा करा। वैसे यहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं V के रिस्पेक्ट में, V के रिस्पेक्ट करेंगे तो आएगा इनिशियल से लेकर फाइनल तक, मतलब V1 से लेकर कहाँ तक V2 तक हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि लिमिट निकालने का तरीका देखिए, कि यहाँ पे हम वर्क डन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट बनेगी 0 से लेकर W, क्योंकि या तो हमने काम किया नहीं और किया तो फिर हमने पूरा काम किया, तो 0 से W बना। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं V के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो आएगा इनिशियल से लेकर फाइनल, तो इनिशियल मतलब V1 और फाइनल बोले तो V2 रहेगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ 0 से W को बिल्कुल सेम, और यहाँ पर dW बिल्कुल सेम। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो RT को हमने बाहर कर लिया, यहाँ V1 से V2 बनेगा और ये dV अपॉन V आएगा। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो W रहा, यहाँ रहा तो 0 से W, यहाँ RT को बाहर करेंगे, 1/V का इंटीग्रेशन होता है log V, सभी लोग जानते हैं कि भाई अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर 1/x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसे बुलाता है log x बुलाता है, तो अगर हमने 1/V का इंटीग्रेशन करा तो वो log V बनेगा और लिमिट हो जाएगी इसकी V1 से V2। अब देखिए यहाँ लिमिट रखेंगे तो W माइनस 0 आएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ सॉल्व करें तो RT को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ बचा है तो log V2 माइनस का log V1 बनेगा। अब देखिए W माइनस 0 तो W बना, यहाँ RT को सेम रखा, यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो log V2 अपॉन V1 आ जाएगा।
देख लीजिए ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पर w माइनस जीरो मतलब w रहेगा, यहाँ आर टी लॉग वी टू अपन वी वन। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ मुझसे हो गई है कि यहाँ पर मैंने आर टी लिखना भी भूल गया हूँ। देखिए यहाँ पर जो इसका डेरिवेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, और w इज इक्वल्स टू 2.303 आर टी और लॉग 10 बेस और यहाँ पर वी टू अपॉन वी वन आएगा, ये इसका डेरिवेशन रहेगा। अब यहाँ पे हमने देखा है तो यहाँ आ गया है डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आर टी लॉग 10 बेस, या आर टी को डब्ल्यू इक्वल्स टू आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन आ गया। अब डब्ल्यू इक्वल्स टू आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन है तो यहाँ पर जो बेस है वो हमेशा ई बेस होता है, लेकिन जो ई बेस होता है उसको हमें चेंज करना होता है 10 बेस में और उसे मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 का। अगर कोई प्रॉब्लम में हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, लॉगरिथम में दे रखा है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ई दे रखी है तो ई को हमें 10 बेस में चेंज करना होता है और वहां मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 का। तो यहां लिखेंगे चेंज इन बेस 10, इसे हम बेस 10 में चेंज करें तो यहां हो जाएगा w इज इक्वल्स टू 2.303 यहां आर टी और ये हो जाएगा लॉग 10 बेस और ये बनेगा वी टू अपॉन v1 हो जाएगा। ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा रिक्वायर्ड वर्क डन के लिए।